पॉइंट मास है एम जो अभी ए कॉमा बी पर है और वो यू स्पीड से ऐसे इस लाइन में भागता हुआ चला जा रहा है। इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है ओ के अबाउट, यहां पे कोई बैठा है उसके अबाउट निकालना है। इसको क्या फील आएगा इसके एंगुलर मोमेंटम बारे में? तो हमने अभी आपको क्या बताया था कि पोजिशन वैक्टर मिला देते हैं ऐसे, तो ये पोजिशन वैक्टर बन जाएगा। तो वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लेते हैं पोजीशन वेक्टर पे परपेंडिकुलर, या फिर पोजीशन वेक्टर को रिजॉल्व कर लेते हैं वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर। तो देखो ये ऐसे है, अभी आप ये मत सोचो कि मतलब मैं फटाफट सॉल्व कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, पेशेंस साथ सीखो। हो सकता है आपको एक आध मिनट दो चार मिनट ज़्यादा लगे शुरुआत के दो तीन क्वेश्चन में, बाद में जब एक्सपर्ट हो जाओगे तो फटाफट करना, ठीक है ना। अब देखो ये ऐसे पोजीशन वेक्टर तुमने बनाया, वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है। अब क्या है, ये वाला तुम्हें थीटा पता होना चाहिए, तो इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करते ये वेलोसिटी पैरेलल आता, ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर आता, फिर ये डिस्टेंस निकाल लेते तो क्या आ जाता, एम आर वी परपेंडिकुलर आ जाता, आंसर आ जाता। ठीक, ये भी एक तरीका है, सही तरीका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थीटा निकालना पड़ता, आर निकालना पड़ता, सॉल्व हो जाता। चलो एक तरीका और है, क्या, क्यों ना हम दूसरा तरीका अप्लाई करें, क्या, क्यों ना हम वेलोसिटी को प्रोड्यूस करें उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें। तो जैसे ही तुम वेलोसिटी को प्रोड्यूस करोगे उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, ये हो जाएगी आर परपेंडिकुलर, ये वाली। तो इस तरीके से अच्छा तो ये वाला तरीका है, हाँ, तो अभी इस तरीके से ये वाला तरीका अच्छा, तो ये वाला यूज करो, वो आपके ऊपर है बेटा, ठीक है। तो अब मैं ये पोजीशन वेक्टर निकालूं उसके अलोंग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अलोंग कंपोनेंट निकालूं फिर सॉल्व करूं, वो थोड़ा ज्यादा लंबा तरीका हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं वेलोसिटी वेक्टर को आगे पीछे बढ़ा लूंगा, फिर देखूंगा इस जगह से इस वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, लाइन मिलेगी ये, तो ये डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक, ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे b, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ पे b, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी b, तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा m u b, मैग्नीट्यूड वाइज इतना हो जाएगा, वेक्टर वाइज निकालें, डायरेक्शन वाइज निकालें। तो आप ऐसे पोजीशन वेक्टर इधर था ना, ऐसे वेलोसिटी वेक्टर इधर था, तो घुमा दो ऐसे, तो क्लॉक वाइज आया, क्लॉक वाइज मतलब इनवर्ड, मतलब माइनस k कैप डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर है, फिर से बताएं, पोजीशन वेक्टर इधर इधर घुमा दो क्लॉकवाइज, नहीं तो ऐसे बताया था फिंगर ऐसे घुमा दो अंदर तरफ, नहीं तो फिर से बड़ो दादा को यहाँ बैठाओ, तो बड़ो दादा यहाँ बैठेंगे तो पहले ये यहाँ आ रहा होगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो पहले यहाँ देखेंगे, फिर यहाँ देखेंगे, फिर यहाँ देखेंगे, फिर यहाँ देखेंगे, तो उनकी मुंडी ऐसे घूमेगी, उनकी मुंडी ऐसे घूमेगी, तो एंगुलर मोमेंटम अंदर होगा। ये पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी चला जाए परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही रहेगी ना, तो थ्रू आउट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। थ्रू आउट पार्टिकल एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा चाहे जहां चला जाए। क्लियर, अच्छा अगर मैं बोलूं एक बड़ो दादा ओ डैश पे बैठे हैं उनके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, मतलब अभी एक बड़ो दादा यहां बैठे थे, यहां पे ये बैठे थे, इनके लिए एंगुलर मोमेंटम ये आ रहा था, अब तुमने यहां बैठा दिया एक दादा को यहां, अब इनके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। अब इनके लिए अगर तुम देखो तो इनके लिए तो ये लाइन ऑफ साइट के अलोंग ही चल रहा है ना, इनके मुंडी घुमानी पड़ेगी इनको देखने के लिए, नहीं मतलब ये वेलोसिटी वेक्टर पोजीशन वेक्टर के अलोंग हो गया, मतलब बोला जाए आर क्रॉस एमवी में जो आर एमवी साइन थीटा देखते थे थीटा हो गया जीरो, तो इनके लिए एंगुलर मोमेंटम ओ के लिए तो इतना आया, ओ डैश के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। अभी हम आपसे बात ही कर रहे थे ना कि एंगुलर मोमेंटम एक्सिस और या फिर बोला जाए पॉइंट ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अबाउट वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो ओ डैश के लिए, ठीक है, समझ आया। चलो अब दूसरा केस देखते हैं, मान लो ये एक्स है ये वाई है और ये जो है कोई स्ट्रेट लाइन है ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन है ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमने मान लो दे रखी है वाई इज इक्वल टू, ठीक है, रूट थ्री एक्स प्लस फोर। ये पार्टिकल जो है कोई पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन पे भागता हुआ चला जा रहा है और पार्टिकल अभी यहां कहीं है और ये ऐसे भागता हुआ जा रहा था, m मास का पार्टिकल था, u स्पीड से ऐसा भागता हुआ जा रहा था ऐसे इस स्ट्रेट लाइन के अलाउ, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, रूट थ्री एक्स प्लस फोर। अब इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है आपको, किसके अबाउट, o के अबाउट, क्या आएगा, तो पार्टिकल ऐसा भागता हुआ जा रहा था ना, इस लाइन के अलाउ भागता हुआ जा रहा था, जब पार्टिकल यहां था तो एंगुलर मोमेंटम निकालना था, तो जब पार्टिकल यहां था इस जगह पे था, इस जगह का कोऑर्डिनेट मान लो हमने कुछ भी दे रखा है, a कॉमा b दे रखा है मान लो,
जब यहां था, ए कॉमा बी पे जब था, तब आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना था। तो अब देखो यहां से यहां तक पोजिशन वैक्टर जोड़ोगे, ये पोजिशन वैक्टर हो जाएगी आपकी। तो इसका पोजिशन वेक्टर बदल रहा है, कभी यहां कभी यहां कभी यहां, तो इस जगह के लिए पोजिशन वेक्टर ये जाएगा। तो अब क्या करोगे तुम, यहां पे थीटा निकालोगे, फिर वेलोसिटी यहां और यहां रिजॉल्व करोगे, फिर जो परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी पार्टिसिपेट करेगा उसी को लिखोगे, ठीक है, करोगे। फिर से गड़बड़ हो गया, क्यों गड़बड़ हो गया, क्यों मैं वेलोसिटी को रिजॉल्व करूं, क्यों ना मैं वेलोसिटी को प्रोड्यूस करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूं। अब आपको अच्छा लग रहा है, अभी सही है। तो जैसे वेलोसिटी को प्रोड्यूस करोगे तो ये लेंथ आएगी, ये लेंथ आएगी, तो इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये डालोगे, ये तो ये बन जाएगी मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ, अगर ये देखते ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला था। अभी यहां है, फिर यहां है, फिर यहां है, फिर यहां है, पता नहीं कैसे होता, थीटा निकालते बड़ा अजीब सा फंक्शन आता, फिर सॉल्व होता। लेकिन जैसे ही आपने यहां वेलोसिटी रिजॉल्व किया तो ऐसा आ गया। कोई जरूरी नहीं कि वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर रिजॉल्व करने से हर बार आसान होगा, कभी कभी पोजीशन वेक्टर से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वेलोसिटी से आसान हो जाएगा, वो आपको सोचना है फटाफट, ठीक। तो ये आर परपेंडिकुलर हो जाएगा, तुम्हें पता है ये स्ट्रेट लाइन थी, तो यहां पे ये जो इंटरसेप्ट होगा वो होगा 0.4, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये m है, m बोले तो tan थीटा, tan थीटा मतलब tan 6, ये हो जाएगा रूट 3, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री। ये इक्वेशन देखना तो आता ही होगा आपको, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो c क्या है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट यहाँ हो गया ऐसा, ये लेंथ है 4, ये थीटा हॉरिजॉन्टल से जो थीटा बन रहा है वो है 60, ये जो 60 है तो ये भी 60 होगा, तो ये 30 होगा, ये 30 होगा, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, ये थीटा तो ये वाला थीटा, तो ये थीटा, ये 90 ये वाला थीटा, तो ये तुम्हारा इंटरसेप्ट हो गया 4, तो ये r परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, r परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 4 cos 60, ठीक है। तो मतलब आ जाएगा 2 यूनिट, तो r परपेंडिकुलर आ जाएगा 2 यूनिट, ठीक है। अब पार्टिकल इसका मतलब कहीं भी हो ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो फिक्स रहने वाली है, बिल्कुल सही सोचा आपने। अगर पार्टिकल यहां है तब भी यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, यहां होगा तब भी यही परपेंडिकुलर होगी, यहां होगा तब भी यही परपेंडिकुलर बनेगी। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ये r बढ़ेगा लेकिन उसी हिसाब से ये थीटा चेंज होगा, पहले देखो यहाँ रहेगा थीटा बड़ा रहेगा, फिर यहाँ जाएगा थीटा छोटा होगा, फिर और छोटा हो जाएगा, उसी हिसाब से फिर r बढ़ेगा लेकिन थीटा छोटा हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिक्स आएगी। तो ये आ गई 2, तो एंगुलर मोमेंटम r परपेंडिकुलर mu, तो क्या हो जाएगा 2mu आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम। डायरेक्शन बहुत आसान निकालना, अभी दादा यहां देखे थे, फिर दादा यहां देखेंगे, फिर दादा यहां देखें, दादा की गर्दन ऐसे घूमी ना, दादा गर्दन ऐसे घूमी मतलब इनवर्ड माइनस के कैप, एक्स वाई प्लेन में हो ना, तो इनवर्ड क्या आएगा माइनस के कैप, ये आ गया एंगुलर मोमेंटम, ठीक। और सबसे मजेदार बात क्या है, ये क्वेश्चन पता नहीं कौन कौन सा एग्जाम है जहां आया ना हो, सभी एग्जाम में आया है, और एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा। तो ये क्वेश्चन कोई ऐसा एग्जाम बाकी नहीं जहां ना आया हो, और इस क्वेश्चन में पूछा जाता है एंगुलर मोमेंटम, और पूछा जाता है एंगुलर मोमेंटम टाइम के साथ वेरी कर रहा है नहीं, तो इस ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, हमेशा ही कॉन्स्टेंट रहेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नीट वाले बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस वाले कोई मतलब ऐसा ना सोचे उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, आ सकता है ये, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम थ्रू आउट क्या रहेगा कांस्टेंट अबाउट ओ। हाँ, अगर कहीं यहां के अबाउट में पूछ लेता ना, यहां के अबाउट तो क्या होता है जीरो, यहां के अबाउट जीरो, जानते हो क्यों, अभी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसी में एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं बोलूं किसी प्रोजेक्टाइल को मैंने ऐसे फेंक दिया है, ठीक है, अब मुझे बताना है एंगुलर मोमेंटम बताओ। तो अब प्रोजेक्टाइल फेंके हो यहां पर यू स्पीड से, थीटा एंगल से, जब प्रोजेक्टाइल यहां पहुंचा है हाईएस्ट पॉइंट पे पी पर, और जब यहां पहुंचा है क्यू पर, तब बताना एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ क्या आएगा। हम बार बार ओ से पूछ रहे हैं, कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो जब यहां पे होगा प्रोजेक्टाइल तो इसकी वेलोसिटी होगी ऐसे यू कॉस थीटा। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या करेंगे, ऐसे एक सीधी लाइन खींचोगे, सब समझ गए होगे क्यों, पहला वाला एग्जांपल, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी h। नहीं तो तुम पोजीशन वेक्टर लेते, फिर ये पोजीशन वेक्टर से ये r पता करते, ये वाली r, फिर उसके बाद एंगल पता करते, ये एंगल निकालना अपने आप में डिफिकल्ट है, ये वाला एंगल निकालना उस हिसाब से ये आता, फिर रिजॉल्व करते, फिर सॉल्व करते, तो फिर गड़बड़ा जाता ना। इससे अच्छा क्या, वेलोसिटी को प्रोड्यूस करो, वेलोसिटी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अबाउट ओ एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, जब पार्टिकल पी पर होगा, जब पार्टिकल पी पर होगा अबाउट ओ एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, एम यू कॉस थीटा इन टू एच। डायरेक्शन ऐसे है ना पार्टिकल, अभी
पोजिशन वेक्टर यहां, वेलोसिटी यहां, ऐसे घुमा दो, किधर आएगा? इनवर्ड, इनवर्ड मतलब माइनस के कैप, तो क्या जाएगा? एम यू कॉस थीटा एच माइनस के कैप इधर की तरफ, ठीक। अच्छा, जब पार्टिकल यहां होगा तो जब पार्टिकल यहां होगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा? अब यहां होगा तो देखो, यहां से पोजिशन वेक्टर मेरी ये है, वेलोसिटी वेक्टर ये है इस जगह पे। तो अब बताओ, इस वेलोसिटी वेक्टर को अगर मैं प्रोड्यूस करूं और परपेंडिकुलर निकालूं, तब कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गया? अब तो उल्टा दांव हो गया। अब मुझे पोजीशन वेक्टर पे अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ जाए, मतलब वेलोसिटी वेक्टर पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ जाए, तब दिक्कत वाली बात हो गई। क्यों? मुझे पता है पोजीशन वेक्टर मेरा रेंज के बराबर होगा, और वेलोसिटी वेक्टर में प्रोड्यूस करूंगा तो ये कोई अजीब सा एंगल आएगा, यहां पे ये कहीं होगा परपेंडिकुलर। तो अब फिर मेरे लिए अब डिफिकल्ट हो गया क्या? पोजीशन वेक्टर को रिजॉल्व करना। अब आसान क्या रहेगा? वेलोसिटी वेक्टर को रिजॉल्व करना। देखा, वो आपके ऊपर है, ये v है, तो यहां क्या जाएगा? ये हो जाएगा v साइन थीटा, और ये क्या जाएगा? v cos थीटा। तो v cos थीटा पार्टिसिपेट नहीं करेगा o के अबाउट, अगर एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे q के लिए, तो एंगुलर मोमेंटम q के लिए निकालेंगे अबाउट o, तो क्या आएगा? m r रेंज के बराबर, ये रेंज निकालना तुम लोग को आता है, v साइन थीटा, ठीक है। और वही डायरेक्शन, क्यों? डायरेक्शन तो वही रहेगा ना, तो क्या लिखा जाएगा? माइनस का के कैप, ठीक है। डायरेक्शन क्यों वही रहेगा? ऐसे करके घुमा दो। अब ये v किसके बराबर है? v तो u के बराबर ही होता है ना, जब जिस समय फेंका जाता है उस समय और इस समय लैंड करते समय स्पीड सेम होती है, तो v u के बराबर ही रहेगा। तो एम आर यू साइन थीटा माइनस के कैप, हाईएस्ट पॉइंट पे एम यू कॉस थीटा एच के कैप माइनस का, समझ में आया? तो मैं आपको यह दिखाना चाहता था लास्ट वाले एग्जांपल से कि एंगुलर मोमेंटम निकालते समय चाहे आप वेलोसिटी रिजॉल्व करो चाहे पोजीशन रिजॉल्व करो, आंसर सेम आता है, लेकिन आपकी चालाकी, क्या रिजॉल्व करते हैं आप, ठीक। तो ये तीन एग्जांपल हमने जो दिए हैं, इससे आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। अभी एक एग्जांपल और देता हूं फटाफट, ठीक है, फिर और आपको डायरेक्शन और मोमेंटम निकालने में क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देख लो, नोट कर लो, और कोई डाउट हो तो फटाफट कमेंट भी करो। चलो।